नमस्कार जी न्यूज में मैं आप सभी के साथ हूँ रिंपा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के बुलेटिन खबरों में। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। यूपी सरकार द्वारा खुटही में मन्नी ताल का हुआ शिलान्यास और सुंदरीकरण, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नौकायान में बैठकर आनंद ले रहे हैं। कुशीनगर कप्तानगंज निबुआ नौरंगिया खुटही में स्थित मन्नी ताल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। मन्नी ताल में बहुत सारे नाव लगाए गए हैं और टिकट की व्यवस्था की गई है, जिसमें मनोरंजन के लिए दूर दूर से लोग सब परिवार आ रहे हैं। खबर तहकीकात से आपको बताते चले कि यह पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जी न्यूज में आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए सागर शर्मा के साथ। सागर शर्मा आपको लेकर चले हैं जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र रामपुरा में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं उसके अंतर्गत एक ग्राम सभा खुटही है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ताल है। ताल को देखते हुए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के नेतागण जो भी लोग हैं एक सर्वे करा करके यहाँ पे गोरखपुर के नौका विहार की भात एक छोटी सी यहाँ पे भी नौका विहार बनाने का प्रयास किया है कि कल ग्राम सभा के लोग यानी गांव के लोग, रूरल एरिया के लोग, गरीब लोग जो भी हों वो आकर के यहाँ पे उस चीज़ का आनंद उठा सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम अपने पूरे टीम के साथ जैसे जनपद कुशीनगर से प्रभारी शाहबुद्दीन जी, कैमरा मैन राजन जी और हमारे जिला संवाददाता राहुल विश्वकर्मा जी और हमारे देखिए दो ऑपरेटर जुड़े हुए हैं हमारे, वो एक नौका विहार का जो है जिनकी वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं है गोरखपुर तक, वो अपने कहीं में जनपद उसी नगर के छोटे ग्राम सभा में आकर के उस चीज़ का लाभ उठाते हैं। जो कि देखिए हम आई उनसे भी बात करते हैं। तो आप भाई साहब का मैं यहाँ चालू बात चलाते हैं चौबीस जनवरी से चालू है। चौबीस जनवरी से चालू है तब से कंटिन्यू आप ही चला रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ बताइए कुछ ऐसे लोग भी पहुँचते हैं गरीब वरीब, तो उनको भी आपको घुमा देते हैं कि गरीब लोग जो आते हैं उनको कम रेट पे हम लोग घुमाते हैं। यानी बस बस अपने तेल वोल का पैसा लेकर घुमा देते हैं, तेल का पैसा लेते हैं गरीब लोगों से। मालूम बच्चों के लिए छूट है थोड़ा छूट है। जैसे दोस्तों हम पूरे इस तालाब को आपको दिखा रहे हैं अपने टीम के साथ, अपनी टीम के सहयोग से और यहाँ पे भी दो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। भाई साहब आप इसी तरह सबक रहने वाले हैं उठेगा, तो आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके यहाँ सभा में जैसे तालाब में ये समय की योजना आई है गवर्नमेंट का, तो आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जिस तरह विकास भी आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि आपके ग्राम सभा में विकास हो रहा है, जो कि ये विकास ही है। सबसे पिछड़ा एरिया है और लेकिन सबसे विकसित एरिया हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ का अनुमान आप नहीं लगाएंगे वो चीज़ आपके ग्राम सभा में उतर के आ गया। यदि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिल गई है इन लोगों के माध्यम से कि सतीश मिश्रा जी इसके ओपनिंग में आए थे और स्थानीय नेता, स्थानीय लोग और हमारे मुख्यमंत्री के सहयोग से यहाँ का जो ताल है सुंदरीकरण अभी होने में कुछ बाकी है। मन्नी ताल नाम दिया गया है इस ताल को। 103 एकड़ में फैला हुआ है। 103 एकड़ आपको परमिशन कितना तक का मिला है? 1 किलोमीटर मिला है।
आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर मतलब साल में 1 किलोमीटर स्टीमर घुमाने का इन्हें परमिशन मिला है, जो कि इतना काफ़ी होता है कि पर्यटक आएंगे अपना घूमेंगे। और पर्यटक स्थल इसलिए बना दिया है कि यह जो लोग बता रहे हैं पिछड़ा एरिया है, जिससे ये काफ़ी डेवलप कर सके। डेवलप कराने के लिए यहाँ के स्थानीय नेता और सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और प्रयास सफल रहा है। और सुंदरीकरण में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, चलते रहेंगे और जैसे जैसे विकास होगा तो उसको हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।